सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्टाइट्स, मवेशियों के थनों की सूजिश की एक बीमारी है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि ये बीमारी किस तरह जानवर को लग जाती है और इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं इसके बारे में भी तफसील से बात होगी। बहुत हमारा इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, आपने पूरी वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिस्टाइट्स मवेशियों के थनों की सोजिश की बीमारी है जो दूध की क्वालिटी और पैदावार पर असर अंदाज होती है। इसका सबब एक बैक्टीरिया है जो दूध की निप्पल के ज़रिए जानवर पर हमला आवर होता है और किसी चोट, बाड़े की गंदगी या इंसानी हाथों के ज़रिए जानवर तक पहुंचता है। इस बीमारी की वजह से दूध ख़राब हो जाता है और अगर बरवक्त इलाज ना किया जाए तो इससे मवेशी की दूध देने की सलाहियत मुश्किल तौर पर मुतासर हो सकती है। बीमारी शदीद हो तो मवेशियों की मौत का सबब भी बन जाती है। ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है और पूरा रेवड़ इसकी वजह से नकारा हो सकता है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। दूध की क्वालिटी पर मुश्किल नज़र रखनी चाहिए। जानवर की बेहतर खुराक और बेहतर रहाइश से इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर किसी जानवर को ये बीमारी लग जाए तो इसे फौरन दीगर जानवरों से अलहदा कर देना चाहिए। इस बीमारी की कुछ निशानियां हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। जानवर मामूल से कम दूध देता है, खाना पीना कम कर देता है और कमज़ोर हो जाता है। जानवर बेताब रहता है और इसे बुखार भी हो सकता है। दूध का रंग तब्दील हो जाता है और इसका जायका कदरे नमकीन सा हो जाता है। अगर बीमारी शदीद हो तो दूध में गंद और खून भी नज़र आ सकता है। और मिस्टाइट्स की भी कुछ निशानियां होती हैं, इस ये भी आपको बताते हैं। थनों में सूजिश हो जाएगी, थन का रंग लाल हो जाना, थनों का सख्त हो जाना, दूध देते हुए जानवर में हल्के पीले रंग के रेशे ज़ाहर होना, दूध दोहने और बछड़े के दूध पीने से जानवर को दर्द होना, शदीद बीमारी में थनों पर ज़ख़म बन जाना और थन बंद हो जाना। अगर बीमारी शदीद हो तो ये निशानियां ज़ाहर होती हैं, लेकिन बीमारी की इब्तदा में ये निशानियां ज़ाहर नहीं होती। तो इसकी कुछ एहतियात भी हैं, वो भी आपको बताते हैं। गंदगी इस बीमारी की बड़े असबाब में से है, इसलिए बाड़े को साफ़ सुथरा और हवादार रखना चाहिए। दूध धोने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। दूध धोने से पहले जानवर के थन साफ़ पानी से धोएं और धुले हुए साफ़ कपड़े से खुश कर लेने चाहिए। अगर कोई जानवर इस बीमारी से मुतासर है तो इसे सबसे आखिर में धोना चाहिए और इसका दूध ज़ाया कर देना चाहिए। इस जानवर के इलाज, खुराक और आराम पर मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आप सबको हमारी जो आज की वीडियो है, टॉपिक है, जिस बीमारी के ऊपर हमने डिस्कस किया है, आप सबको जो है वो पसंद आई होगी। आपको किसी न किसी हवाले से ज़रूर आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 वीडियोज़ गोट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड अपलोड की जाती हैं। अच्छी से अच्छी मालूमात प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया और जिन्होंने नहीं किया, हम उनसे एक बार फिर अगेंस्ट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखना,
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।